नमस्कार। आज के युग में बच्चों के लिए सबसे हानिकारक कुछ है तो वो मोबाइल है। दुनिया भर की विभिन्न रिसर्च संस्थाओं ने अपने संशोधनों में पाया है कि मोबाइल बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। मोबाइल के इस्तेमाल से आंखें तो खराब होती ही है, साथ ही उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है। मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, औरों के साथ बातचीत करना वो पसंद नहीं करते। मोबाइल की लत में वो खाना पीना तक छोड़ देते हैं। मोबाइल गेम और कार्टून वीडियो बच्चों की सबसे बड़ी नीड्स बन चुके हैं। ऐसे में हर घर की यही समस्या है कि अब बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। बच्चों को मोबाइल की लत क्यों पड़ गई, इसके जिम्मेदार सबसे पहले हम हैं। हमें बच्चों के सामने मोबाइल का यूज कम करना चाहिए। घर में हर कोई मोबाइल देखता रहेगा तो बच्चा स्वाभाविक ही मोबाइल से आकर्षित होगा। अपने मोबाइल में कोई गेम ऐप न रखें। मोबाइल के यूज से आपका बच्चा तेज व बुद्धिमान बनेगा, ये भ्रम निकाल दे। बच्चों के लिए हरगिज मोबाइल न खरीदे। बच्चों के साथ चेस, कैरम जैसे इंडोर गेम अवश्य खेले। आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, अपना काम निपटाने के लिए आप बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं थमा सकते, ये मूर्खता है। बच्चों के साथ बातचीत करें, उन्हें वक्त दें। आजकल कहानियां सुनने सुनाने का दौर ही खत्म हो गया है। बच्चों को जिद्दी होने से रोके, उनकी गलत जिदें कभी पूरी न करें। बच्चों के लिए बाजार में और भी कई विकल्प है। आप उनके लिए और खिलौने, IQ ग्रो करने वाली गेम्स आदि लेकर उन्हें दे सकते हैं। आजकल मोबाइल में लर्निंग ऐप का सिलसिला चल पड़ा है। हर कोई मोबाइल से बच्चों को सिखा रहा है, पर क्या सीखना ही जरूरी है या स्वास्थ्य भी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।